हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू लुक गॉर्जियस। आजकल आप लोग मेरी रुजुता मैम की डाइट वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं एंड वहाँ पर रोज़ाना आपको शाम को मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिख ही जाता है कि मैं प्रोटीन शेक पी रही होती हूँ। एंड बहुत से लोग पूछते हैं कि आप प्रोटीन भी पीते हो, क्यों पीते हो, क्या कारण है, कौन सा वाला लेते हो। नहीं भी पूछें तो भी मैं बताना चाहूँगी बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन कंज्यूम करना अपनी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, मसल गेन करने के लिए, फैट कम करने के लिए, वेट लॉस करना है चाहे आपको वेट गेन करना है, प्रोटीन कंज्यूम करना तो बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट समवन जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इस चीज़ को प्रोमोट करे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और इसको इतना लेना है, ऐसे करना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मेन थिंग इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को काउंट करना, हेल्दी होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन स्टिल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे से पाना, स्पेशली जब आपको मसल्स गेन करके, फैट कम करके एक बहुत ही अच्छी बॉडी शेप चाहिए है, उस टाइम पे खास करके प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। जिम जाते हैं चाहे नहीं जाते हैं, व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। मैं करेंटली जिम नहीं जाती हूँ बट आई एम लूजिंग फैट, आई एम ऑन माई हेल्दी वेट लॉस जर्नी। अभी मैं इस टाइम बेस्ट अपने हेल्थ में नहीं हूँ बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड डेफिनेटली मैंने बहुत सारा वेट कम किया है और मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं शेप में आ रही हूँ। सो धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपनी डाइट फॉलो स्टार्ट की और उसके बाद फिर एक स्टेप अहेड आपको बढ़ना होता है, मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, ब्रिस्क वॉक स्टार्ट की, फास्ट वॉक स्टार्ट की, देन फिर मैंने अपना प्रोटीन भी कंज्यूम करना स्टार्ट किया, मैंने एग्स खाने स्टार्ट कर दिए। बट मैं वैसे नॉन वेजिटेरियन वाला खाना ना ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किसी को लाइक मार करके खा रही हूँ मैं वो वाली चीज़। दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। तो वेजिटेरियन खाना जब हम खाते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतना ईजिली बॉडी की ना पूरी नहीं हो पाती। ऐसे टाइम पे एक अच्छा सा प्रोटीन आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। प्रोटीन शेक सबसे ज़्यादा ईजी और सेफ ऑप्शन रहता है उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए मैं ये एग्जैक्ट न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन कंज्यूम कर रही हूँ आजकल। अब इसको मैं कैसे कंज्यूम करती हूँ, मैं एक चम्मच भर करके लेती हूँ, लाइक एक स्कूप में लेती हूँ, उसको मैं पानी में मिक्स कर लेती हूँ या फिर समटाइम्स मैं क्या करती हूँ उसको गाय के दूध में मिक्स करके फिर पीती हूँ। और किस टाइम, अगर मैं सुबह वर्कआउट करती हूँ तो मैं अपने वर्कआउट के बाद में इसको लूँगी, या फिर अगर शाम को वर्कआउट कर रही हूँ तो शाम को वर्कआउट के बाद में मैं इसको पी लूँगी। एंड इन एनी केस अगर किसी दिन मैंने वर्कआउट नहीं भी किया है तो भी मैं इवनिंग स्नैक के टाइम में ज़रूर प्रोटीन शेक पी लेती हूँ। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एनर्जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट करते हैं तभी आपको प्रोटीन लेना है, बट येस वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट नहीं कर रही हूँ मैं, फास्ट वॉक पे गई हूँ 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद भी मैं प्रोटीन शेक ज़रूर पीती हूँ। मेन रीज़न क्यों ये सेलेक्ट किया है, ये ना नो हॉर्मोन्स वाला है, ठीक है, इसमें कोई भी हॉर्मोन्स नहीं एडेड है। हॉर्मोन्स होंगे ना तो बॉडी का सारा कुछ सिस्टम ख़राब हो जाएगा। सो दिस इज़ वन बिग थिंग अबाउट दिस वन कि नो हॉर्मोन्स, तो मेरी बॉडी के हॉर्मोन्स को बिल्कुल भी किसी तरह से ख़राब नहीं करने वाला है। ओके, देन इसके अंदर कोई ग्लूटेन नहीं है। इस टाइम पे जब मुझे हेयर लॉस का इशू है या मेरे कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसे टाइम पे ज़्यादा ग्लूटेन नहीं कंज्यूम करना होता है। मैं पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी खाती हूँ ग्लूटेन के नाम पे आज की डेट में, ठीक है, तो मुझे ग्लूटेन नहीं कंज्यूम करना है। और इसके अंदर है भी नहीं ग्लूटेन इन एनी केस, अगर हम चलो रोटी सब्जी खाते भी हैं वो नेचुरल है, उसके अलावा हमें अलग से कोई ग्लूटेन और चीज़ों में तो कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसमें ग्लूटेन नहीं है, विच इज़ डेफिनेटली वन ग्रेट फैक्टर। इसके बाद बात करते हैं नॉन GMO, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें नहीं है, कोई चॉकलेट वॉकलेट वैसा वाला कुछ नहीं है, इट्स वेरी बेसिक सिंपल प्रोटीन। टेस्ट की बात करते हैं तो कोई ना तो कड़वा लगेगा ना कोई मीठा लगेगा, जस्ट सिंपल सा होता है, ज़्यादा इसमें कोई शुगर वगैरह एडेड नहीं है, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। पिया जाता है आराम से पानी में, थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता बट हाँ दूध में पीने में मुझे बेटर लगता है। मैं जस्ट 150 ml गाय के दूध में या फिर पानी में इसको कंज्यूम करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा में कंज्यूम करना मेरे बस की बात नहीं है। बट हाँ, इसका टेस्ट वगैरह वैसे सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, काफ़ी दिन से मैं कंज्यूम कर रही हूँ।
और डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच आई वुड लव टू रीपरचेज एज वेल। एंड जहाँ पे बात आती है ना रीपरचेज करने की, बिकॉज प्रोटीन ऐसी चीज़ है यार जिंदगी भर खानी ही चाहिए ना, मैं तो पर्सनली खाने ही वाली हूँ, कंज्यूम करने वाली हूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा अफोर्डेबल भी हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल उस पर भी नहीं जाना चाहिए कि क्वालिटी का फिर कुछ भरोसा नहीं रहेगा। तो इसका रेट सही है, 1599 रुपीज़ का है ये 500 ग्राम्स, लेकिन बहुत ही आराम से 700 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। मैं अपने वाले प्रोटीन का ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप भी वहीं से फिर खरीद सकते हैं। द थिंग इज दैट कि ये ग्रास फेड जो काउज होती है ना उनके दूध से बनाया हुआ वे प्रोटीन है, तो कोई भी हार्मोनल वाले वैसे वाली गाय वाला वे प्रोटीन नहीं है, तो इसको कंज्यूम करने में मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मुझे सेफ लगता है। एक्चुअली मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और फैट लॉस स्पीड अप हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल सही वाला लगा, मुझे इससे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा US सोर्स से बेस्ड है, विच इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट। इसके अगर हम सर्विंग साइज़ की बात करते हैं ना, तो ये 500 ग्राम है, इसमें लगभग 16 सर्विंग्स हैं। अब आपको 30 ग्राम यानी कि एक स्कूप एक दिन में कंज्यूम करना है, उसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 118 कैलोरीज हैं, जो कि बहुत ही ज़रा सा अमाउंट होता है कैलोरीज़ का, ठीक है, और फैट से 17 कैलोरीज आ रही हैं, और देन आपको इसके अंदर विटामिन ए सी डी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी और भी चीज़ें मिल जाएंगी, आयरन कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम वगैरह। मेनली हमें ये देखना है कि शुगर्स कितने हैं, तो 2.38 ग्राम शुगर है एक स्कूप में, ठीक है। तो और फैट लॉस वाली अगर डाइट पे हैं, बहुत जल्दी वेट कम करना है, तो फिर अगर आप पूरे दिन में एक स्कूप इसका प्रोटीन का ले रहे हैं तो फिर अलग से कोई शुगर कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैसे काफ़ी कम है शुगर, बट स्टिल जब फैट लॉस वाली सीरियस स्ट्रिक्ट वाले उस पे है ना, आपको जब जल्दी जल्दी फैट लॉस करना है तो उस टाइम पे आप कोई शुगर ना लें। एक बार आपका वेट मैनेज हो गया, मेंटेन हो गया, तो इसके अलावा भी आप थोड़ा सा शुगर चाहें तो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, 1-2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं है। और बाकी मेनली हमें एक प्रोटीन में क्या चाहिए, प्रोटीन ही चाहिए, तो 22.8 ग्राम्स प्रोटीन आपके एक स्कूप में आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वे प्रोटीन में टोटल ना 80% प्रोटीन है इसके अंदर, और बाकी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो चीज़ें इंक्लूडेड है, कोई भी कोई गलत सब्सटेंस या कोई भी गलत चीज़ इसके अंदर एडेड नहीं है, विच इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग। जो रुजुता मैम की मैंने बुक पढ़ी थी ना, लूज़ योर वेट डोंट लूज़ योर माइंड, ये वाली, उसके अंदर भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ था कि प्रोटीन शेक एक तो आपको पीना ही चाहिए आफ्टर योर वर्कआउट, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता है। दो रुजुता मैम इज़ ऑल अबाउट नेचुरल फूड्स नेचुरल थिंग्स एंड ऑल, बट एक प्रोटीन शेक तो वो भी बोलती हैं कि पीना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ, तो फिर वाई नॉट ना, तो इस और मैं उन्हीं की डाइट फॉलो करती हूँ, तो प्रोटीन इज़ लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा ढंग का सप्लीमेंट है जिससे कोई डर नहीं लगता है। कभी भी फैट बर्नर्स मत लो, कुछ भी ऐसे केमिकल्स वाले ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक प्रोटीन ले लोगे ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आपका मसल गेन होगा, स्ट्रेंथ गेन होगा, एंड्योरेंस अच्छी होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, हेयर और स्किन अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा सा क्रेविंग्स को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है अच्छे से, लाइक पेट भरा हुआ वाला फील होता है, तो ज़्यादा चीटिंग वगैरह करने का कोई मूड नहीं करता है। इट्स अ रियली ग्रेट इवनिंग स्नैक एज वेल, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है बिकॉज ये, और सारा लाइक बॉडी के फंक्शंस को अच्छा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन शेक अगर हम एक दिन में कंज्यूम करते हैं, देन इट्स डेफिनेटली गुड फॉर हेल्थ। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप कोई बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है, आपको ऐसा कुछ है जहाँ आप और भी दवाई वगैरह लेते हैं, तो ऐसे में ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए है, या फिर आप अगर जिम जाते हो तो आप अपने ट्रेनर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई पर्सनली यूज, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड बहुत पसंद है एंड मैं इसी को कंज्यूम कर रही हूँ आजकल, तो इसीलिए मैंने यही वाला आपको दिखाया है, आप भी चाहें तो फिर यही वाला ले सकते हैं, लिंक आपको मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्चुअली इसके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, कितनी मैं बातें करूँगी, ओवरऑल मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि वे प्रोटीन एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वर्कआउट करते हैं उसके बाद या फिर वर्कआउट के पहले कंज्यूम कर सकते हैं, एनर्जी अच्छी आ जाती है, मसल्स रिकवर अच्छे से कर जाते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी बनती है, फैट जल्दी से कम हो जाता है, चाहे वेट लॉस करना हो, चाहे वेट गेन करना हो, चाहे वेट मेंटेन करना हो, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही में ये वेजिटेरियन है, दिस इज़ द रीज़न कि मुझे ज़्यादा लाइक मैं प्रेफर करती हूँ, एंड इसमें कुछ भी गलत चीज़ें फिलर्स आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह ये सब चीज़ें एडेड नहीं है, दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस थिंग। सो आई होप मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखते रहने के लिए,
आज मैं इसे एज अ प्री वर्कआउट कंज्यूम कर रही हूँ, तो इसके बाद मैं चली अपना वर्कआउट करने. मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी.